वाराणसी में गर्जा बाबा का बुलडोजर, मची चीख पुकार। दर्जन भर बुलडोजर, 90 कमरे, 40 करोड़ की संपत्ति को कर दिया नस्तो नाबूद। रात्रि 2 बजे 5 मंजिला होटल मोहम्मद फारूक के होटल पर चला बाबा का बुलडोजर। 2015 में होटल को किया गया था सीज, FIR भी हुई, लेकिन सत्ता की पावर में चलता रहा था होटल। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बनारस से मिल रही है, जहां बाबा का बुलडोजर गर्जा है, जिसने अवैध बने 5 मंजिला होटल को जमींदोज किया है। इसके बाद पूरे वाराणसी में चर्चा का विषय बन गया है। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये यूपी है, यहाँ सब नियम और कानून से होता है, क्योंकि सत्ता में बाबा हैं। अगर कोई गलत करेगा तो अगले चौराहे पर पुलिस आपके स्वागत का इंतजार कर रही होगी, लेकिन ज्यादा 3-5 की तो अपना पूरे परिवार को ले डूबोगे और बुलडोजर आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा होगा। ऐसी ही बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में होटल में लगभग 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी अधिकारियों की टीम मौजूद है। इसी बीच होटल मालिक और प्रशासन के बीच तीखी बहस भी हो रही है। अंततः छत से तोड़फोड़ की शुरुआत हो गई है। दरअसल हम आपको बताते चले कि बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल गिराने के लिए शनिवार को BDA के अफसर जब बुद्ध विहार कॉलोनी पहुंचे, तब वहां होटल मालिक और उनका परिवार था। पुलिस ने होटल खाली कराया और सभी को तोड़फोड़ वाले क्षेत्र से दूर किया गया। इसके बाद पहले हथौड़े से और बाद में बुलडोजर से ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया गया। दोनों होटल 5 तल के हैं, जिनमें कुल 90 कमरे हैं। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 4 बुलडोजर और 150 मजदूर लगाए गए। 2 बजे से 9 बजे तक का ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। रविवार को भी जबरदस्त तरीके से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। दरअसल होटल के कमरों में महंगे फर्नीचर, TV और मेज कुर्सियों के बीच हथौड़े चलाए गए। इसी बीच होटल संचालक के परिवार और अधिकारियों में कहासुनी हुई। बातचीत के दौरान होटल के मालिक मोहम्मद फारूक खान बेहोश हो गए। होटल स्टाफ और परिवार वालों ने उन्हें संभाला। होटल मालिक के परिजन रोते हुए अफसरों से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाते रहे। होटल के अंदर कमरे, बाथरूम, शौचालय, सीढ़ी आदि को ध्वस्त किया गया है। कुछ पिलरों को भी चोट पहुंचाई गई है। वीडियो उपाध्यक्ष के अनुसार 2015 में दोनों होटल सीज किए गए थे। इसके बाद ही होटल का संचालन करने पर FIR दर्ज कराई गई थी। इसी बीच दूसरे होटलों के नाम पर बुकिंग कर इन दोनों होटलों में पर्यटकों को ठहराया जाता था। होटल के मालिक मोहम्मद फारूक ने कहा है कि एक होटल का नक्शा 1999 और दूसरे होटल का नक्शा 2012 में पास किया गया था। होटल चलाने का लाइसेंस भी था। 2014 में इस क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया था। उस समय के जोनल अधिकारी की कॉपी मेरे पास है। व्यावसायिक नक्शा पास कराने का आवेदन किया गया था। मोहम्मद फारूक बनास होटल रिवर पैलेस बनास कोठी के हम मालिक हैं। मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। होटल हमारे पिताजी के नाम से और हमारे भाई के नाम से है। लाइसेंस भी हमारे होटल का पास है। हमारा एक होटल का नक्शा 1999 का है, दूसरे होटल का नक्शा 2012 का है। 2014 में ग्रीन बेल्ट निर्धारित हुई। आपने खुद लिख के दिया कि ग्रीन बेल्ट के अंदर जो भी मकान आएगा उसको अपना उसकी ये कॉपी है, ये जोनल महोदय साहब की है। उसके बावजूद आपने जो है हमको अपना कहा कि नहीं, आप अपना नक्शा नहीं पास होगा कि आपका रेजिडेंशियल है। हमने कमर्शियल कराने के लिए अपना इनके यहाँ दरखास्त में दरखास्त दिया और उसके बाद जो है आज हमारे होटल को तोड़ने आ रहे हैं। कल रात 26 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया। रात को 9 बजे इन्होंने हमको 9:30 बजे एप्लीकेशन दिया कि अब आप कोई नई बुकिंग नहीं करेंगे। और अभी यही था, आज होटल तोड़ने की पूरी टीम बना के बाहर खड़े हैं।
लेकिन यही बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक नजारा कुछ अलग देखने को मिला, जब एडीएम सिटी ने कर्मचारी के मुंह पर जमकर सिर मार दिया। बनारस में कोठी को तोड़ने पहुंचे एडीएम और अन्य कर्मचारियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उसी दौरान एडीएम ने कर्मचारी के मुंह पर सिर मार दिया, जिससे होटल कर्मचारी के मुंह में खून निकल आया। आइए बताते हैं कि वीडियो क्या कहता है। दरअसल वीडियो के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार मोहम्मद फारूक खान ने बुद्ध विहार कॉलोनी में दो होटलों का निर्माण कराया था। स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का निर्माण करने, सेट बैंक कवर करने, वरुणा किनारे महायोजना 2031 में नियमित ग्रीन बेल्ट में निर्माण करने, बहुमंजिला निर्माण बेसमेंट ग्राउंड पर 5 तल का असमनीय निर्माण करने के कारण ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ है। दरअसल 2016 में भी इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था। अवैध निर्माण के खिलाफ कैंट थाने में 21 जुलाई को FIR दर्ज भी कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद ही सत्ता की मलाई मार रहे नेताओं की सह पर अवैध तरीके से बने होटल पर कार्रवाई नहीं हुई। करने का प्रयास किया गया था, तो इन्होंने महिलाओं को आगे करके प्रयास किया कि ये सील ना हो पाए, उसमें भी इनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए FIR भी हुई थी 2018 में। इस समय अभी हमारी बोर्ड की मीटिंग विगत महीना हुई थी, तो उसमें भी कंप्लेंट्स हुई कि इस प्रकार के होटल चल रहे हैं। बोर्ड मीटिंग में प्रवर्तन के संबंध में ये जानकारी की गई कि क्या क्या किया, तो बोर्ड मीटिंग के बाद इस प्रवर्तन की कार्रवाई को बढ़ाया गया और इनको पिछले हफ्ते में कई बार नोटिस दिए गए, कई बार चेतावनी दी गई कि अपना होटल आप स्वयं खाली कर लें। ये 2012 के बाद से ये अपना संचालन ये कर रहे हैं, किसी ना छोटे पहले छोटे स्वरूप में था, फिर इसको और बड़ा किया गया। इनको फाइनली 2016 में हमने डेमोलिशन ऑर्डर जारी किया था, इन्होंने जो आवासीय नक्शा पहले पास किया। ये अपना 2019 में इनका अंतिम ऑर्डर हो चुका था, 2019 में हाईकोर्ट शासन सभी स्तर से इनका अंतिम ऑर्डर हो चुका था। कई सालों से जो है ये इलीगल चला रहे थे, इनको बार बार बताया जा रहा था बट नहीं इनके द्वारा रोका जा रहा था। देखिए कोई भी धर्म को देखकर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, साफ उसमें स्पष्ट ऑर्डर्स हैं और वो लीगल ऑर्डर्स हैं। जहां भी इस प्रकार के मैटर्स और मिलेंगे वहां पर भी इस प्रकार की विधिक कार्रवाई। लेकिन आज जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी हुई वैसे ही बुलडोजर चलना तय हो गया और बाबा के बुलडोजर ने दौड़ लगा दी। इस कार्रवाई के बाद पूरे वाराणसी में तहलका मच गया। लेकिन आपको क्या लगता है, यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई सही है? अपनी राय जरूर दें। मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है ना, उसको खाली करने दे रहे न कुछ कर रहे। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। मेरा जी प्लस टू का नक्शा पास है और इस कॉलोनी में सबका जी प्लस टू का रेजिडेंशियल नक्शा पास है। ये जी प्लस टू तो है नहीं, जी प्लस यहाँ जी प्लस फोर सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का जी प्लस फोर है, लेकिन सबने जी प्लस टू का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल VC सचिव जोनल और जेई ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपए एक सिलाब, 50,000 रुपए हफ्ता। आज भी अभी भी बदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसमें मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से बनवाया, मुझे एडीएम ने सिर पकड़ के मुझे मारा और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है। वो कहते हैं कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का, मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के